हम रोज इस्तेमाल करते हैं, पर क्या आपने कभी टॉयलेट के इतिहास पर विचार किया है? सबसे पहले जाने जाने वाले शौचालयों का पता अधिकतर रोम में मिलता है, जहां सार्वजनिक शौचालयों में पत्थर की सीटें थी जिनमें छेद थे। मध्य युग में लोग चैम्बर पॉट का इस्तेमाल करते थे, जो खिड़की या दरवाजों से नीचे की सड़कों पर खाली किए जाते थे। 19वीं सदी में टॉयलेट के आधुनिक रूप का आविष्कार हुआ। पहला फ्लश टॉयलेट 1891 में एक इंग्लिशमैन थॉमस क्रैपर द्वारा पेटेंट किया गया था। आजकल टॉयलेट दुनिया भर के घरों और व्यवसायों में एक आम दृश्य है, और यह हमारे दैनिक जीवन का अनिवार्य हिस्सा है। इसलिए अगली बार जब आप सिंहासन पर बैठे हो, इस संवेदनशील लेकिन महत्वपूर्ण आविष्कार के लंबे और कथानक इतिहास की सराहना करने के लिए एक पल लें।